प्रणाम अंकल जी, और सब ठीक ठाक घर पे कैसे हो? बस बेटा ठीक हूँ भगवान की कृपा से। अच्छा अंकल जी ठीक हो ना? वैसे बहुत ठंड हो रही है, अपना ध्यान रखना आप, ठीक है? बहुत ज्यादा, तभी तो मैं यहाँ पे भाप लेने आया हूँ। हाँ बेटा मैं तो ठीक हूँ, तुम भी अपना ध्यान रखना, बहुत ठंड हो रही है, मैं भी इसलिए यहाँ पे आया हूँ। यही एक जगह है जहाँ पे हम अपने हाथ पैरों को ताप सकते हैं, थोड़ा बहुत ठंड है। ये दोनों कौन है मेरे इलाके में? लगता है इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, बहुत बातें कर रहे हैं। अभी अपने भूत दोस्तों को बुला के इन्हें डराता हूँ। भूत भाइयों आओ, आज एक शिकार मिल ही गया, चलो इन्हें परेशान करते हैं। हाँ भाई तुमने मुझे बुलाया, क्या बात है, मैं अपने और दोस्तों को भी बुलाता हूँ, पहले ये बताओ क्या बात है। हाँ भाई मैंने तुम्हें बुलाया, ये देखो नीचे कुछ इंसान बैठे हैं, चलो आज मौका मिल ही गया, इन्हें थोड़ा परेशान करते हैं। अरे हाँ यार तुम्हारा आइडिया तो बड़ा अच्छा है, बड़े दिनों बाद कोई इंसान यहाँ पे है, चलो अपने दोस्तों को बुला के इन्हें परेशान करते हैं। भूत दोस्तों आ जाओ। तीनों अभी इन्हें बताते हैं। ये कौन है? भागो अंकल जी, ये कौन आ गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बेटा उधर तो कोई भी नहीं है, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तुझे तो अभी तक कोई नहीं दिख रहा था, अब दिखेगा ना मूर्ख। अरे अंकल जी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये भूत लोग हैं, ये हमें परेशान करने आए हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना पड़ेगा। अरे हाँ बेटा मुझे भी यही लग रहा है, मेरे तो डर की वजह से मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे हाथ पैर एकदम जम गए हैं, जल्दी से जल्दी भागना पड़ेगा। मेरी तो हड्डियाँ भी कमजोर है, मैं कैसे भागूंगा? बेटा तुम भाग जाओ, मैं तो लगता है मेरा आज ये आखिरी दिन था। बेटा जल्दी भाग जाओ तुम। नहीं अंकल ये आपका आखिरी दिन नहीं है, मैं आपको यहाँ से लेके चलूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस जल्दी से जल्दी यहाँ से हमें भागना पड़ेगा, चाहे मुझे आपको पीठ पे बिठा के क्यों ना चलना पड़े। अरे नहीं नहीं बेटा तुम इतना कष्ट क्यों करोगे, मैं तो वैसे भी मरने ही वाला था, आज मर जाऊंगा तो क्या हो गया। नहीं अंकल मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, अभी तुम्हें बताता हूँ। और भूत भाई तू भी आ जा, चल इन्हें पका के खाते हैं। हाँ भाई अभी आता हूँ। अंकल जी ये एक और भूत मेरे सामने आ गया, मैं तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं तो रो रहा हूँ। अंकल जी कुछ करिए, थोड़ा हमें ही भगना पड़ेगा। बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो गोदी यहाँ पे डरा हुआ हूँ, बहुत ज्यादा बुरी हालत हो रही है मेरी भी, जल्दी से तुम भाग जाओ अभी भी मैं कह रहा हूँ। अरे भाइयों ये कैसे भागेंगे, हम जब यहाँ पे हैं, चलो इनको अपना जलवा दिखा देते हैं। हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, चलो इनको अपना जलवा दिखाते हैं। अंकल जी चलिए मैं आपको अपनी पीठ पे बैठाता हूँ। बेटा तुम भाग जाओ। दोस्तों चलो इसका पहले मार मार के कचूमन निकालते हैं, यही भागने की बात कर रहा है ज्यादा। हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, चलो इसको मारते हैं। अंकल जी इन्होंने मुझे मार मार के भरता बना दिया, मैं जा रहा हूँ, आप भी जल्दी आइए। बेटा मैं तो पहले कह रहा था, चलो जल्दी भागो। अरे भूत भाइयों ये भाग रहे हैं, चलो इसे पकड़ो। अंकल जी जल्दी मेरी पीठ पे बैठिए, जल्दी चलिए। लेकिन बेटा। अंकल जी लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जल्दी बैठिए। ठीक है बेटा। अंकल जी पैर ऊपर करिए। ठीक है बेटा। बेटा इससे ऊपर नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं अंकल जी। भाई ओ ये भाग रहे हैं, चलो। भाई चलो वो भाग रहा है। अंकल जी ये मैं एक बंद कमरे में आ गया हूँ, लगता है यहाँ पे कोई नहीं है और यहाँ पे टीवी भी चल रहा है, हमें आप जल्दी से यहाँ उतरिए, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे आगे। अरे हाँ बेटा चलो ठीक है, तुम यहाँ पे रेस्ट कर लो मैं उतरता हूँ। भाइयों ये यहाँ पे है, चलो जल्दी आओ। अरे अंकल जी ये तो यहाँ भी आ गए, जल्दी भागो। हाँ बेटा जल्दी भागो, लगता है अब मैं चल सकता हूँ, चलो मैं चल के जाता हूँ अब। ठीक है अंकल जी। चलो भूत भाई उसका पीछा करते हैं। अंकल जी ये हम दूसरे कमरे में आ चुके हैं, ये तो कोई मॉल लग रहा है, यहाँ पे सेल भी लिखी है। लेकिन अंकल जी मैंने एक चीज सोची है, मैंने सुना है मूवी वगैरह में और कहीं पे मैंने देखा था कि अगर हमारे सामने भूत आ जाए तो अगर हम हनुमान चालीसा उनके सामने पढ़े तो फिर वो भाग सकते हैं। अगर आपको हनुमान चालीसा आती है तो आप भी पढ़िए, मुझे तो आती है, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो, चलो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। ठीक है अंकल जी तो फिर मैं शुरू कर रहा हूँ। हाँ बेटा
अंकल ये भूत आ गए, चलो गाते हैं 3 2 1 स्टार्ट। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सुति हो लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। अरे नहीं भूत भाई हम खत्म हो रहे हैं, नहीं। अरे ये क्या, मेरे जख्म भी ठीक हो रहे हैं। अरे ये क्या, अरे वाह हनुमान चालीसा, मुझे लगता है कि वो हनुमान जी ने हमारी बात सुन ली और मेरे जख्म भी ठीक हो गए। आखिर तो अंकल जी हमने भूतों को हरा ही दिया। हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो, बहुत ही बढ़िया, आज मैं तुम्हें शाबाशी देता हूँ, तुम्हारा मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।